नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक टोटका लेकर आई हूं जो कि आपकी इच्छा को, आपकी मनोकामना को पूरी करने में आपकी मदद करेगा। जी हां दोस्तों, एक सिर्फ लाल धागा लेना है। लाल धागे की मदद से आप अपनी किसी भी इच्छा को, अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, वह भी बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही कारगर टोटका है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको यह समझ में आएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर मनोकामना से रिलेटेड कई सारे वीडियो है, मनोकामना पूरी करने से रिलेटेड कई सारे वीडियोज है, जैसे कि टोटके उपाय, टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिनके लिंक आपको लगातार आई बटन पर शो हो रहे हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। मेडिटेशन के लिए भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है वीडियोस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जिन्हें आप देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो पर, मूव ऑन करते हैं। क्या करना है, हमें लेना है एक लाल धागा, जिसे मोरी भी कहा जाता है। ये जो लाल तरह का लाल धागा होता है, लच्छा भी कहा जाता है, जो मंदिर में पूजा में भगवान को चढ़ाया जाता है, ये आपको ले लेना है। कितना लेना है, इतना धागा आपको लेना है कि आपके घाट में 5 गठबार लग जाए। ठीक है, 5 बार आप इस तरह से उसे फोल्ड कर लें और आपके हाथ में गठान लग जाए, उतना आपको लाल धागा ले लेना है। ये जो लाल लच्छा होता है, ये ले लेना आपको ले लेना है। साथ में आपको लेना है एक लोटा जल। ठीक है, लोटा तांबे का होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक लोटा जल ले लीजिए और साथ में लाल धागा ले लीजिए। अभी आपको लेकर जाना है भोलेनाथ के मंदिर। ठीक है, जो भी आपके घर के आसपास भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर मंदिर जाकर ही इस उपाय को करना है, आप घर पर नहीं करेंगे, आप इसे मंदिर जाकर करें। अब मंदिर आपको जाना है, सवेरे के समय जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे आप दिन में कभी भी जा सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह सुबह अगर आप जाते हैं, जितनी जल्दी जाएंगे, जैसे 6 बजे 7 बजे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर जो टाइम आपको सुटेबल रहता है उस टाइम आप जा सकते हैं। अब आपको जाना है, आपको क्या करना है, ये जो लाल धागा है, ये आपको सबसे पहले शिवलिंग पर रख देना है। ठीक है, शिवलिंग के नीचे की साइड, देखिए मैं यहाँ पर आपको फोटो दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये जो मैंने आपको जगह बताई है, इस जगह पर आपको इस लाल लच्छे को रख देना है। ठीक है, रखने के बाद में अब ये जो आप तांबे का लोटे में जल लेकर गए हैं, ये आपको भोलेनाथ पर अर्पित करना है। ठीक है, भोलेनाथ को किस तरह से अर्पित करना है ये भी आप देख ले। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो 3 उंगलियां होती है, ठीक है, हमारी ये जो 3 उंगलियां है, ये आपको उस लोटे में डालना है। ठीक है, लोटे में इन 3 उंगलियों को डालना है, दोनों हाथ की तीनों उंगलियों को आपको उस जल में डालना है, और जल में डालकर आंख बंद करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, मन ही मन में कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करेंगे, उसके बाद में आपको ये जल अपने दोनों हाथों से भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ठीक है, वो जो शिवलिंग है उस पर आपको इस जल को चढ़ाना है। चढ़ाते समय आपको मन ही मन में अपनी मनोकामना कहनी है कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, मैं ये जो उपाय कर रही हूँ, ये जो टोटका कर रही हूँ, ये अपनी इस इच्छा को, अपनी इस मनोकामना को पूरी करने के लिए कर रही हूँ। भगवान, मेरी इस मनोकामना में ये समस्या, जो भी आपकी समस्याएं आ रही है, आपको वो कहना है कि ये सारी समस्याएं आ रही है, आप जल्द से जल्द इस सभी इच्छाओं को, सब परेशानियों को दूर करने में मेरी मदद करें, और बस जल चढ़ा देना है। उसके बाद में अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमने लाल लच्छा लिया है, ये आपको वहां से उठाना है। उठाने के बाद में आपको उस लच्छे पर 5 गठान बांधनी है। ठीक है, 5 गठान बांधनी है, 5 गठान बांधते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना है, ऐसे 5 बार अपनी मनोकामना कहनी है और ये गठाने बांधनी है। और फिर 5 गठान जब बन जाए, जब उसे हाथ में लेकर इस तरह से हाथ फोल्ड करेंगे, भगवान मेरी ये जब इच्छा पूरी हो जाएगी, अब उसी दिन मैं इस धागे को अपने हाथ से खोलूंगी या खोलूंगा, आप मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर दें। ठीक है, और ऐसा करके आपको वो लच्छा अपने हाथों में बांध लेना है। ठीक है, बस आपको इतना सा करना है। क्या होता है कि भोलेनाथ सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ एक जल, एक लोटा जल से ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप दिल से इस उपाय को करेंगे, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से उनको जल अर्पित करेंगे, पूरे श्रद्धा प्रेम से जल अर्पित करेंगे, वो आपसे प्रसन्न होकर आपकी जो आपने परेशानियां बताई उसे वो दूर करेंगे और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 उंगलियां हमने डाली, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हमें कई बार होता है कि हमें बेलपत्र नहीं मिल पाता, और जो बेलपत्र होता है उसमें 3 पंखुड़ियां होती है, ठीक है, 3 पत्तियां होती है, अगर हमें बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो हम हमारी उंगलियों को ही पत्ती समझकर भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उंगलियां जब हमने डाली तो एक तरह से हमने उस पानी में हमारी एनर्जी डाली। ठीक है, हमने हमारी एनर्जी दी, हमने हमारी इच्छाएं उसमें बोली, हमने भगवान को हमारी एनर्जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के और अर्पित करी, और फिर वो जल हमने भोलेनाथ पर चढ़ाया, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत ही ज्यादा कारगर रहेगा। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को आप करें जरूर, और फिर जब रिजल्ट मिले तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही कारगर रहेगा। आप इसे कीजिए जरूर, फिर मुझे रिजल्ट जरूर बताएं। कोई भी परेशानी आती है तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कोई उलझन है, कोई समस्या है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम करें, मैं वहां पर आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।